भाई सीरियल मीत में श्लोक की दिल की भड़ास जो है आज निकल आई है, और वो भी दुल्हन बनी मीत पर। क्या है ना कि श्लोक का कहना भी तो जायज है कि भैया जब मैंने तुम्हें रौनक की असलियत बता दी है तो तुम क्यों जाकर जबरदस्ती खाई में कूदना चाहती हो और उससे शादी करना चाहती हो। इतनी टोप दुल्हन मंगे किसके लिए तैयार हो ये तू? हाँ तेरे मुंह पे टेप तो लगा हुआ नहीं, मौसम ऐसा है जिससे तेरा गला बैठ जाए तो बोल। गुस्से में जो कुछ भी कहा था शुरू तो हो तुम। बाप ठीक है तुम्हारा, रोहन जैसे घटिया लड़के से शादी करना चाहती हो, तुम जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम। मेरी लाइफ मेरी मर्जी मेरा फैसला, मुझे शादी करनी है। तुम ना एक नंबर की लूजर हो, लूजर हो तुम। सुमित पर आज तानों और सवालों की बरसात हो रही है और ये सब उस पर श्लोक बरसा रहा है। श्लोक को यूं देख के लगता है आज उसके सब्र का बांध टूट गया है। ऐसा ही होता है जब आपका प्यार किसी और के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता जोड़ने जा रहा होता है। अब चुप नहीं बैठने वाला, मैं अभी जा रहा हूँ रात बैठ जा, सारी सच्चाई बताऊंगा तेरे को, जो करना है ना तू कर ले। ये शादी अब नहीं होने दूंगा। सुनहरे रंग के जोड़े में सुमित रौनक की दुल्हन बनके तैयार है, लेकिन इस दुल्हन की बलाएं नहीं ली जा रही है। यहाँ तो श्लोक सुमित की क्लास ले रहा है, क्योंकि रौनक की सच्चाई जानने के बावजूद भी सुमित उससे शादी करने के लिए राजी हो गई है। तेरे मुंह पे टेप तो लगा हुआ नहीं, मौसम ऐसा है जिससे तेरा गला बैठ जाए तो बोल। रौनक की सारी सच्चाई पता चल गई थी ना? हाँ तो शादी से मना कब करेगी? हाँ तेरे होने के बाद। यार देखो गुस्सा आ रहा है यार, जब आपकी गर्लफ्रेंड जो है आपकी बात नहीं मान रही, जैसे आप प्यार करते हो वो आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो समझ नहीं रही बात। कोई भी दुनिया में अगर आपकी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही, जब आप समझाते हो और आप जानते हो आप सही हो तो गुस्सा तो आता ही है। श्लोक इतना आसान थोड़ी होता है किसी लड़की के मुँह से सच निकलवाना, और सुमित की आँखों में देखिए आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो ये शादी मजबूरी में कर रही है। और जब आपने ये अंदाजा लगा ही लिया है कि कोई उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, तो जरा जड़ तक चले जाइए, आपको असली वजह भी पता चल जाएगी। यार लड़कियों को मनाना वैसे बहुत मुश्किल होता है, आपको पता ही होगा। तो मैं मना रहा हूँ, उसको गलत लड़के से बचा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं बचना चाहती तो मैं क्या करूँ यार। अब कोशिश कर रहा हूँ बचाने की, पर वो देखते हैं बचती है कि नहीं बचती, वो आपको आगे पता चलेगा। सुमित तो बेचारी आपके भाई अभय की शादी वाणी से कराने के लिए अपनी बलि चढ़ा रही है, तो उसको इतना सुनाने का क्या फायदा है। श्लोक जो भी है जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि मंडप सज गया है, दुल्हन तैयार है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और सुमित हमेशा हमेशा के लिए रौनक की हो जाए। मुंबई से प्रथम शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।